दोस्तों आईस नेटवर्क का सब कुछ रेडी हो गया था, सर्टिक के द्वारा ऑडिट करवा लिया गया था, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे, यहाँ पर एक्सचेंजों के साथ उनकी पार्टनरशिप हो गई थी, ओके एक्सचेंज पर लिस्ट भी होने जा रहा था बहुत ही जल्द। तो ऐसे में देखने को मिलता है FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने क्या किया, जितने भी बाहर के आउट ऑफ कंट्री के यहाँ पर एक्सचेंजेस थे उनका URL ब्लॉक कर दिया, उनका जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। अब ऐसे में क्या होगा, आईस नेटवर्क कहाँ पर लिस्ट करेगा अपने टोकन को, क्योंकि इंडियन नए यूजर तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग यहां पर ओके एक्सचेंज बाइनेंस वगैरह यूज कर रहे हैं, लेकिन नए पर्सन यहां पर एंट्री नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहां पर सारी जगह से उनको ब्लॉक कर दिया गया है उनके URL को। लेकिन जो पहले के हैं वो अपना भी जो वहां पर उनका जो फंड पड़ा हुआ उसको यहां पर रिमूव वगैरह करने में लगे, इसी वजह से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब ऐसे में आईस नेटवर्क लिस्ट नहीं करेगा ओके एक्सचेंज में, क्योंकि रीजन क्योंकि यहाँ पर भाई नए यूज़र एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, प्राइस पंप नहीं होगा, कोई बाय ही नहीं कर पाएगा, कोई सेल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो पहले से अभी इनके पास एप्लीकेशन है वही कर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, आप पहले को पहले बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर FIU इंडिया ने साफ साफ यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस को बिल्कुल टारगेट बनाया है और उनका URL यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अगर आपका फंड हो, मैंने इसके ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था और आपको पूरी वार्निंग दी थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी इस चीज़ को यहाँ पर डन किया है और आगे भी कर सकती है, तो यहां पर सतर्क हो जाइए, बहुत सारे लोगों ने अपना फंड यहां से रिमूव कर लिया है। अब दोस्तों ऐसे में अगर आपके पास ओके एक्सचेंज का एप्लीकेशन नहीं है तो आप एक्सेस कैसे करोगे, आप मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट या ओके एक्सचेंज का Web3 वॉलेट या फिर आप बाइनेंस का Web3 वॉलेट, इन सभी में आपकी कोई भी डिसेंट्रलाइज की फ्रेजेस हो आप इनको डाल के उस वॉलेट को एक्सेस करते हो, कोई भी डिसेंट्रलाइज ठीक है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अभी हम बात करें तो यहाँ पे हमने ट्रस्ट वॉलेट खोला है, आप सभी जानते हैं ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। यहाँ पे हम डिस्कवर में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें देखने को मिल जाता है PancakeSwap। अगर PancakeSwap की बात करें तो यहाँ पर PancakeSwap आप यहाँ पर ओपन कर पा रहे हो, यहाँ पर आपको यहाँ प्रॉपर चल रहा है ठीक है, यहां पे चल रहा है। अब बात करें यूनिस्वैप भी यहां पर प्रॉपर यहां पर चल रहा है, यानी इन दोनों का URL अभी ब्लॉक नहीं किया क्योंकि यहां पे ये डेस्क है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, तो यहां पर इनका URL ब्लॉक करना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर ये लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आईस नेटवर्क यहाँ पे लिस्ट हो सकता है क्योंकि वहाँ सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अभी लिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्राइस को जिस हिसाब से टर्न करना चाह रहे हैं ना वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ऐसे में यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि जो यूज़र हैं वो BNB कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो पहले यूज़र हैं जिनके पास ऑलरेडी क्रिप्टो वॉलेट वगैरह है बाइनेंस को ओके एक्सचेंज, वो तो अभी प्रेजेंट टाइम एक्सेस कर ले रहे हैं, लेकिन जो नए यूज़र आएंगे जो खरीदने के पर्पज़ से आएंगे कि चलो हम PancakeSwap पे चल के खरीदते हैं आईस नेटवर्क, तो वो BNB कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे BNB गैस फीस लगेगी और BNB उनके पास तो है नहीं। और इंडियन एक्सचेंज की बात की तो इंडियन एक्सचेंज क्रिप्टो में विड्रॉवल देता नहीं, वो INR में दे देता है, पैसे में दे देता है, लेकिन क्रिप्टो में विड्रॉवल इंडियन एक्सचेंजेस नहीं देते, तो ऐसे में सीन होता है कि वो BNB गैस फीस कहां से लाएंगे। तो ये अभी एक मेन मुद्दा है, हम इधर उधर से कुछ भी नहीं बताएंगे कि आप यहां से बाई कर लो, क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं, हम उस पर ना जाते हुए हम आपको सीधा और सिंपल यही कहेंगे कि आईस नेटवर्क हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंज जैसे हैं CoinDCS हो गया, CoinSwitch हो गया, यहां पे भी आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। देखो अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इस सीन के बाद आईस नेटवर्क की तरफ से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट देखने को भी मिल सकते हैं शायद। और आपको बता दूं, आपका जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन था, सॉरी डिसेंट्रलाइज वॉलेट था, जैसे कि आपने ओके एक्सचेंज में बनाया था, आपकी जो की फ्रेजेस है उसको बस संभाल के रखिएगा। अगर यहाँ पर मेटामास्क बैन हो जाए इंडिया में, ट्रस्ट वॉलेट हो जाए, ओके एक्सचेंज का वॉलेट बैन हो जाए, यहाँ बाइनेंस का Web3 का वॉलेट बैन हो जाए, अगर कुछ भी बैन हो जाए, आपके पास अगर की फ्रेजेस रहेंगी आप उसको इंडियन मतलब जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट कोई ना कोई क्रिएट करेगा, CoinDCS है, WazirX है, आप सभी जानते हैं WazirX इस समय Sardium ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है, तो वो भी हो सकता है आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज वॉलेट लेकर आए, तो उसमें आप एक्सेस कर पाओगे, तो आपकी की फ्रेजेस रहेगी, तो आप कभी भी एक्सेस कर लोगे कहीं पर भी। अभी इंडियन जो एक्सचेंजेस है वो थोड़ा इस वजह से यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी लॉ है और वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट वगैरह नहीं ला सकते, तो यहाँ पर ये भी एक मसला है। लेकिन WazirX काम कर रहा है, क्योंकि आपको बता दूँ WazirX बाहर से ऑपरेट कर रहा है पूरे अपने सर्विस को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है। और आप सभी को बता दूँ, ये जितने भी एक्सचेंजेस यहाँ पर ब्लॉक हुए हैं इसमें डरने
घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारे के सारे FIU इंडिया के साथ फुल्ली कॉपरेट करेंगे, हमारे गवर्नमेंट की जो लॉ है उसे पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। ऐसे में आपको कुछ भी डरना नहीं है, आपने जैसे जो वॉलेट फिल किया है उसको अभी करंट टाइम ऐसे रहने दीजिए। अगर इन कंडीशन किसी तरह की चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो हम आपको प्रॉपर सही समय पर बता देंगे। बहरहाल अभी आप अपनी माइनिंग कंटिन्यू करते जाइए और किसी प्रकार की कोई चीज़ें यहाँ पर ना सोचिए। और आपका कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट टाइम सिर्फ आपके क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, शाम तक हो सकता है या फिर कल मॉर्निंग को हो सकता है। आपकी जो आईस नेटवर्क में प्रॉब्लम है सिर्फ उस प्रॉब्लम को कवर करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में जरूर बताइएगा कि आप मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर क्या फेस कर रहे हैं। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, जो करंट सिनेरियो के हिसाब से जो FIU इंडिया के द्वारा फैलाया गया सारी चीज़ें चल रही है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आईस नेटवर्क में, मैंने समझाने की कोशिश की है। बहरहाल सारी चीज़ें ऐसी ही रहने दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।